तो भाइयों बहनों स्वागत है आपका मोटरवाइज़ में। मेरा नाम है करण और आज हम आए हैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। फिलहाल हम शहर में नहीं, शहर से थोड़ा बाहर है, लेकिन शहर से बाहर हम लेके आए हैं Hyundai की नई Aura कॉम्पैक्ट सेडान। तो आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में क्या कुछ नया है और ये गाड़ी बाकी कॉम्पैक्ट सेडान से कैसी अलग है उस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। तो आपको ये कुछ जाना पहचाना नज़र आएगा, Hyundai i10 NIOS जैसा ही इसका फेस है क्योंकि उस पर ही ये गाड़ी आधारित है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस है, जैसे अगर आप ये ग्रिल देखें तो इस ग्रिल में यहाँ पर आपको ये ड्यूअल DRL जो बूमरैंग शेप्ड हैं वो मिलते हैं। i10 NIOS में सिर्फ एक मिलता है। और ये जो ग्रिल भी है, जो ये हेक्सागोनल ग्रिल है, इसका जो साइज़ है इस Aura सेडान में छोटा है, जबकि आपको i10 NIOS में पूरा ग्रिल यहाँ तक मिलता है। यहाँ पर एयर डैम एक अलग से है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स भी मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हेडलाइट की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ DRL यहाँ पर मिलते हैं। तो बाकी जो स्टाइलिंग है कुल मिलाकर i10 NIOS जैसा ही है, लेकिन कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो इसको देखने में थोड़ा अलग बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक टर्बो पैक भी मिलता है जिसके साथ आपको ये ग्रिल काला हो जाता है और जो अंदर कैबिन के अंदर अपहोल्स्ट्री है वो भी काली हो जाती है। साइड से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा चेंज है, जो i10 NIOS के ऊपर आधारित कॉम्पैक्ट सेडान इसको बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपको वो नज़र आएगा। टायर्स की बात करें तो 15 इंचेस आपको व्हील साइज़ मिलता है और 15 इंच व्हील्स पे लगे हैं 175/60 प्रोफाइल के MRF इको ट्रेड टायर्स। अब यहाँ भी आप देखें तो आपको i10 NIOS की ही याद आएगी, लेकिन यहाँ से जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होती है। तो ये एक्सटेंशन जो है आप देखें पीछे आकर, यहाँ पर आपको ये जी शेप्ड LED टेल लाइट्स नज़र आएंगी। अब ये डिज़ाइन जो है इसको हम कन्वेंशनल नहीं कह सकते, थोड़ा न्यू एज है। और यहाँ पे आप देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपको दूर से नज़र आएगा ये शायद क्रोम है, लेकिन ये क्रोम नहीं है। और यहाँ पे आपको ये पूरा LED मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्रोम स्ट्रिप है जो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। बीच में आप देखेंगे कि गाड़ी का जो नाम है वो अंकित किया गया है। लाइसेंस प्लेट नीचे है। तो ये बहुत कुछ जो भारत में सेकंड जनरेशन होंडा सिटी थी उसकी थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बूट स्पेस और जो पीछे के सीट का स्पेस है इस गाड़ी में i10 NIOS से ज़्यादा है। और उस कोशिश के लिहाज से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो आपको थोड़ी देर बाद जब आप इस गाड़ी के साथ वक्त बताते हैं तो आपको ये थोड़ा अपनी आंखों पर इजी भी लगने लगता है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल स्टाइलिंग की बात करें तो कंटेम्प्रेरी है। अगर आप इसको सामने से देखें या और कहीं से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कन्वेंशनल डिज़ाइन है, थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा यूथफुल है और जवान लोगों को ये काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी करंट डिज़ाइन है। अब इस गाड़ी की खास बात और क्या है, तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट सेडान्स की जब हम बात करते हैं तो BS6 एरा में ये शायद ही एक ऐसी कॉम्पैक्ट सेडान होगी जहाँ पर आपको डीजल इंजन खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मारुति BS6 एरा में डीजल इंजन आपको नहीं मुहैया कराएगा, ना ही टाटा टियागो के साथ मिलेगा। फोर्ड और होंडा के बारे में अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको डीजल इंजन मिलता है, एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो Hyundai वेन्यू से लिया गया है। तो वहाँ पर जो DCT के साथ मिलता था यहाँ पर आपको अब मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ मिलता है। एक 1.2 लीटर जो कापा इंजन है वो भी आपको मिलेगा एज एन ऑप्शन, और उसके साथ आपको फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन भी मिलता है। तो तीन इंजन ऑप्शन हैं और उस लिहाज से आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है। लेकिन जो BS6 नॉर्म्स आने के पहले बहुत लोगों का ये मानना था कि जो BS6 डीजल गाड़ियाँ होंगी वो बहुत महंगी होगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ पहले पेट्रोल और डीजल वर्जन के बीच लाख रुपए का डिफरेंस था, तो अब वो बढ़कर 1,17,000 हो गया है। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स की ये कोशिश है कि उस दाम के लिए भी जो आप ज़्यादा दे रहे हैं उसमें आपको थोड़े फीचर्स और थोड़े बेनिफिट्स और भी ज़्यादा मिले, तो ऐसा ही है। अब गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या अलग क्या नया है। तो Hyundai Aura अंदर से देखने में कैसी है, सबसे पहले आपको दिखा देंगे चाबी, जिसकी ये कॉफ़ी कलर में रैप्ड है और इसमें तीन बटन्स है लॉक अनलॉक और बूट रिलीज के लिए। तो आप इस रिक्वेस्ट सेंसर के थ्रू भी अंदर एंटर कर सकते हैं लॉक करके या अनलॉक करके।
अब अंदर यहाँ पर नया देखने में क्या है, तो ये बहुत कुछ यहाँ पर ग्रैंड i10 NIOS जैसा ही है। और चेंजेस यहाँ पर ये हैं कि आप देखेंगे यहाँ पर ये सॉफ्ट जो पैडिंग है तो ये ब्रॉन्ज इंसर्ट्स है यहाँ पर, और बाकी सारा कुछ भी आप देखें तो जैसा i10 NIOS में है उसी तरह से है। और यहाँ पर ये स्टार्ट स्टॉप स्विच है, और एडिशन यहाँ पर ये है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है, तो इस पर्टिकुलर मॉडल में नहीं है। वायरलेस चार्जिंग भी आपको साथ में मिलती है, और USB पॉइंट्स और पावर सॉकेट्स के अलावा यहाँ पर ये 8 इंच का डिस्प्ले है। तो इसमें एक नई चीज़ है ये जो रियर व्यू मॉनिटर है, तो जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो आप चाहें तो पीछे देखने के लिए कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड है, इल्यूमिनेटेड नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें i10 NIOS जैसा ही है। एक अहम चीज़ यहाँ पर जो सीट फैब्रिक है इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हालांकि इसका कलर थोड़ा लाइट होने के कारण इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गंदा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सफाई रखनी पड़ेगी इंदौर शहर की तरह जो भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर है। अब पीछे चल के देखते हैं वहाँ पर कितना स्पेस है, क्योंकि ये हैचबैक का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जैसा आप देख सकते हैं ड्राइविंग सीट मेरे पोजीशन के हिसाब से सेट है, यहाँ पर हेडरूम, लेगरूम, नी रूम की कोई कमी नहीं है। पीछे आपको एसी वेंट और एक ये 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, और उसके अलावा जो सीटिंग जो बैकरेस्ट का एंगल है वो ऑप्टिमल है, तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर ये कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट भी मिलता है, तो जब मोड़ों पर गाड़ी चलती है तो साइडवेज मूवमेंट अरेस्ट होती भी है, और आपकी जो बाजू है उसको अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, और यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं शॉर्ट जर्नीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोर है इसका हाइट कोई ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर बड़े कंफर्टेबली तीसरा इंसान बैठ सकता है, लेकिन उनको हेडरेस्ट पीछे नहीं मिलेगा। अब ये हो गई रियर सीट स्पेस की बात, और यहाँ पर डोर पॉकेट्स भी आपको दिखाई देंगे जिसमें बॉटल्स रह सकती हैं, एक कैविटी है यहाँ पर और कुछ चीज़ें रखने के लिए। बूट स्पेस की बात करें तो 402 लीटर आपको बूट स्पेस मिलता है, और मारुति डिज़ायर के कंपैरिजन में ये बूट स्पेस जो है कुछ लीटर ज़्यादा है। तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान यहाँ पर बड़े आराम से रह जाता है। लोडिंग लिप हालांकि थोड़ा हाई है, तो आपको जो भारी सामान है वो थोड़ा ऊंचा उठाकर फिर दोबारा उसमें रखना पड़ेगा। और उसके अलावा पीछे से अगर आप आइसोलेशन में देखें तो ये गाड़ी देखने में प्रीमियम नज़र आती है, हालांकि अगर आप साइड प्रोफाइल से देखें तो यहाँ पर जो 3/4 गाड़ी का हिस्सा है वो i10 NIOS जैसा है, लेकिन ये जो एडिट सेक्शन है इसकी फ्लूइडिटी जो है, जो विजुअल फ्लूइडिटी है, वो थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। तो Hyundai Aura चलाने में कैसी है? फिलहाल हमारे पास है इसका डीजल वेरिएंट जिसमें लगा है 1.2 लीटर डीजल जो बनाता है 75 PS और 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसके साथ दो गियरबॉक्स के ऑप्शंस हैं, एक है ये 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स और दूसरा है 5 स्पीड का ही AMT। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 25.4 मिलता है आपको मैनुअल वेरिएंट के लिए और 25.35 AMT, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों के बीच में। और पहले की तरह ही ये इंजन रिफाइंड है, शांत है, और अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, इसको चला रहे हैं या कोई पीछे बैठा है तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई डीजल इंजन इस गाड़ी में फिट किया गया है। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो BS6 कंप्लायंट अभी इंजन है, तो इसमें जो इनिशियल टॉर्क है उसमें 10% की बढ़ोतरी है। उसके अलावा जो अंदर के इंटरनल पुर्जे हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं जिससे इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। और चलाने के लिहाज से इनिशियली 2000 RPM तक जैसे टर्बोचार्ज्ड इंजन में होता है वैसे यहाँ पर फीलिंग नहीं है, अच्छा पिकअप मिलता है और ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी है लोअर गियर्स में। और जैसे ही 2000 RPM के ऊपर ये गाड़ी चली जाती है तो इसको चलाने में मज़ा आता है, थोड़ा एक पंची फीलिंग आपको महसूस होती है। उसके अलावा अब स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें भी जो मोटर है उसमें बदलाव किए गए हैं, तो इसमें थोड़ा जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो थोड़ा भार बन जाता है। और फीडबैक वैसे आजकल क्योंकि ये सिटी यूज़ के लिए है तो इसको थोड़ा लाइट बनाते हैं, तो फीडबैक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो मोड़ों पर अगर आप हाई स्पीड कॉर्निंग कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा भार आता है, तो चलाने में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है। अब क्योंकि ये डीजल गाड़ी है तो इसका जो सस्पेंशन है आगे और पीछे का थोड़ा सा इसको फर्म कर दिया गया है क्योंकि आगे भार ज़्यादा होता है, तो लो स्पीड जो राइड कम्फर्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है। हैंडलिंग के हिसाब से भी अगर आप इसको मोड़ों पर चलाते हैं तो काफी कंपोस्ट बिहेवियर है इसका, लेकिन इस क्लास में अभी भी फोर्ड की जो एस्पायर है, अगर आपको राइड एंड हैंडलिंग की बात करें और उसमें
आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करे, तो फोर्ड एस्पायर अभी भी इस सेगमेंट का बेंचमार्क है। दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी का जो बैक सीट कंफर्ट है वो अपने हिसाब से स्पेस के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन राइड क्वालिटी और जो राइड कंफर्ट है उसकी बात करें तो हमारे देश में जैसे होता है कि देखने से सड़कें तो समतल नजर आती हैं, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, तो पीछे का जो सस्पेंशन है उसका रीबाउंड एक्शन जो होता है या फिर जो रिटर्न एक्शन होता है स्प्रिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो उससे क्या होता है कि पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं उसमें उनको वर्टिकल मूवमेंट जो है इस तरह से वो ज़्यादा हो जाती है, और जैसे स्पीड्स इंक्रीज होती है तो वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो स्पेस के हिसाब से और सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से तो पीछे की सीट अच्छी है, लेकिन राइड कंफर्ट अच्छा हो सकता था। अब दोबारा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो गियर शिफ्टर है ये प्रिसाइज है और शिफ्ट एक्शन इसका काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे ही आप इसको स्लॉट करते हैं तो आपको हमेशा पता होता है कि कहाँ पे जा रही है ये स्टिक। और उसके अलावा यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इस श्रेणी में जो डीजल इंजन है तो ये डीजल इंजन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, और क्योंकि हुंडई हमेशा से ही जाना जाता था अच्छे रिफाइंड डीजल इंजन बनाने के लिए, तो इस इंजन में भी उनकी माहिरता साफ नज़र आती है। अब इस इंजन की खास बात यह है कि जो इसकी रिफाइनमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा जो इसकी पावर डिलीवरी है तो वो शुरुआत से लेके 3,000-3,500 आरपीएम तक बड़ी लीनियर है और बड़ी समान है, तो आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं महसूस होता कि इसमें थोड़ा सा पंच और होना चाहिए था, तो आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि पावर की कमी है। और ये इंजन काफ़ी फ्री ड्राइविंग भी है, तो जो आपका चलाने का अनुभव है वो काफ़ी आनंददायक और बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। तो अब हम जो Hyundai Aura का वेरिएंट चला रहे हैं वो है 1 लीटर GTI वाला पेट्रोल इंजन, और ये इंजन वेन्यू में लगा हुआ आता है 7-speed TCT के साथ। यहाँ पर ये आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है। पावर बनाता है 100 PS 172 न्यूटन मीटर्स और ARAI रेटेड फ्यूल इकोनॉमी है 20.05। इसका जो इंजन है 6,500 RPM तक बड़े आराम से रेव करता है, और वहाँ पर पहुँचने तक जो 2,000 RPM का मार्क है वहाँ पर टर्बो स्पूल होके एक आपको अच्छा पंच मिलता है परफॉर्मेंस में, और जो 2,000 या 2,500 RPM के बाद इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा स्पोर्टी साउंड आपको उसका अनुभव महसूस होगा। उसके अलावा ये जो गियर शिफ्ट है ये काफ़ी फास्ट है, हालाँकि जो क्लच है पेडल एक्शन तो लाइट है, लेकिन उसका जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है, डिसएंगेजमेंट जो स्पेशली तो थोड़ा सा ग्रैबी है, तो थोड़ा जब क्लच आप अगर जल्दी से छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा उसका नेगेटिव मोमेंटम गाड़ी के मूवमेंट में महसूस होता है। उसके अलावा ये जो टर्बो पैक है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रॉन्ज इंसर्ट की जगह ये ब्लैक इंसर्ट है, तो यहाँ पर ये एक थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट है, और यहाँ पर सीट पे आप देखें तो ये रेड सीम्स और स्टिचिंग यहाँ पर दी गई है, और बाकी सब कुछ जो है वो सेम है। इसका क्लच थोड़ा सा, अगर इसका जो एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन है वो डीजल वाले वेरिएंट की तरह प्रिसाइज होता तो इसको चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आता। जैसे आप देख सकते हैं तो है मज़ेदार, और अगर आपका कम्यूट ज़्यादा नहीं है और आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए सिटी में कॉम्पैक्ट सेडान, तो ये एक अच्छा चॉइस है। हालांकि मारुति का जो 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन है तो वो भी काफ़ी मज़ेदार है, वो पेपर पर भले ही थोड़ा इससे कम पावर बनाता है लेकिन चलाने का मज़ा उसको भी काफ़ी ज़्यादा आता है। अब चलाते वक्त आपको ये भी बता दें कि इसका जो स्टीयरिंग है वो कैसा है, तो सिटी स्पीड पर लाइट है और मोस्टली सिटीज़ में जहाँ पर ये गाड़ियाँ चलेंगी तो ईज़ ऑफ यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं इस गाड़ी को। और क्या ये सेल्फ सेंटर होता है, तो जी हाँ, तो ये स्टीयरिंग ऐसा बिल्कुल ही डेड नहीं है, इसमें थोड़ा सा भार भी पैदा हो जाता है जब स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस पेट्रोल वर्जन के साथ जिसमें है 1 लीटर GTI मोटर। तो अंततः Hyundai Aura के बारे में हमारा क्या विश्लेषण है, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रेणी में कॉम्पैक्ट सेडान जो लोग लेते हैं वहाँ पर डीजल इंजन अभी भी काफ़ी पॉपुलर है, और BS6 के एज में यहाँ पर हो सकता है कि Hyundai Aura एक ऐसी लौती कॉम्पैक्ट सेडान हो जिसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिले। उसके अलावा यहाँ पर 1 लीटर का पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिलता है, फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन है, AMT ऑप्शन है, तो कई सारे आपको ऐसे विकल्प इस गाड़ी को ख़रीदने पर अगर आप कंसिडर करें तो मिलते हैं। और
इस गाड़ी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? तो इसका जो डीजल इंजन है तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, पंची है और फ्यूल एफिशिएंट भी है। उसके साथ आपको AMT का ऑप्शन भी मिलता है और कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि कंपेयर्ड टू BS4 मॉडल सिर्फ 17,000 रुपये इसकी बढ़ोतरी हुई है कीमत के हिसाब में। कीमतें शुरू होती है 5.79 लाख पेट्रोल के लिए और जो टॉप एंड डीजल है वो 9.03 लाख में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको मारुति की डिज़ायर से कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको अब डीजल इंजन नहीं मिलेगा और वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार रही है जब से वो लॉन्च हुई थी। लेकिन अगर आपको डीजल इंजन ही चाहिए तो यहाँ पर इस श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा रिफाइंड डीजल इंजन है वो आपको इस गाड़ी के साथ मिलेगा। साथ ही आपको इस गाड़ी के साथ Hyundai की वंडर वारंटी मिलती है। तो वंडर वारंटी में आपको 3 पैकेजेस मिलते हैं जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप या तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी लें, या 75,000 किलोमीटर और 4 साल की वारंटी लें, या फिर 5 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी लें। तो ये डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं कम समय में, या जिनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चलती लंबे समय तक के लिए, तो उन लोगों के लिए ये स्टैंडर्ड वारंटी पैकेजेस हैं। तीनों में से आप जो चाहे चूज़ कर सकते हैं। सर्विस कॉस्ट के हिसाब से भी Hyundai की Aura का जो एनुअल सर्विस कॉस्ट है वो सबसे कम है, और पेट्रोल और डीजल दोनों को कंपेयर करें, इसका जो कंपटीशन है होंडा अमेज, फोर्ड एस्पायर, टाटा टिगोर और मारुति डिज़ायर, इन सारी गाड़ियों के कंपैरिजन में इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो ये थी कहानी Hyundai Aura की। मेरा नाम है करण, ये है मोटरॉइड्स, ये है Hyundai Aura। अगर आपके इस गाड़ी के बारे में कुछ सवाल है तो बेशक हमसे पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अब अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।